काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या दीदी आपका सच में बेबी है, तो मैं आज बताना चाहती हूँ यस ये मेरा बेबी है और ये कोई फेक नहीं है, बिकॉज अभी मेरा शूट नहीं करने देगा बेबी, क्योंकि वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मीता रॉय। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है माई बेबी स्किन केयर रूटीन, बिकॉज अभी लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने बोला था कि प्लीज़ आप अपना बेबी का स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो आज का टॉपिक है माई बेबी स्किन केयर रूटीन। एंड छोटी सी एक बात जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछी थी कॉमेंट सेक्शन में, क्या दीदी सच में ही आपका कोई बेबी है? तो यस गाइज, मेरा 1 ईयर का बेबी है, जो कि अभी 1 ईयर का पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, 1 मंथ रहते हो उसको कंप्लीट होने में। सो मैं आज अपने बेबी का ही स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बेबी का सारे स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैंने इस बास्केट में रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे ये नहीं बोलने वाली हूँ कि प्रोडक्ट ए बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बी बहुत अच्छा है गाइस, बिकॉज जो बेबी का जो स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें नहीं पता होता कि हमारे बेबी को क्या सूट करने वाला है। तो जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मैंने 2 प्रोडक्ट को मैंने हायर किया था, सबसे पहला था हिमालय एंड सेकेंड वन था जॉनसन्स, बिकॉज मैंने ये दोनों इसलिए रखे हुए थे बिकॉज मैंने इन दोनों के बारे में ही सुना था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है, बट मैंने रिव्यू जो ज़्यादा अच्छे सुने थे वो थे हिमालय के। तो मैंने दोनों ही छोटे पैकेजिंग वाले अपने हस्बैंड को बोला था कि वो बाय कर लेंगे, तो छोटे पैकेजिंग में ना कुछ इस टाइप का आता है, छोटे वाले पैकेजिंग में कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं जो मिनी पैकेजेस होते हैं, तो मैंने हिमालय के भी बनाए थे एंड जॉनसन्स के भी मंगाए थे, तो दोनों मैंने यूज़ किया था। तो क्या होता है कि जब मेरा फर्स्ट जब मैंने जॉनसन्स यूज़ किया था गाइस, तो थोड़े टाइम के बाद ना जो मेरा बेबी है उसके जो बैक में ना थोड़े थोड़े रैशेज हो गए थे, पिंपल्स टाइप हो गए थे और रेडनेस हो गया था, तो मुझे लगा कि डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई भी थी जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल 30,000। तो जब मैंने वहाँ पे उनको दिखाया था तब वो बोल रहे थे कि ऐसा उसका फिजिकली या इंटरनल कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट उनको कुछ आपने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं तो आप उसको एक बार चेंज करके देख लीजिए, क्या पता हो सकता है कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो रखी होगी। मुझे ऐसा लग भी रहा था पहले ही, क्योंकि थोड़े मुझे रिव्यूज़ ऐसे मिले थे कि इसको रैशेज वगैरह हो जाते हैं इस प्रोडक्ट से, बट फिर भी ठीक है, मैंने सोचा एक बार कंसल्ट करा लेना चाहिए अपने बेबी का, क्योंकि बेबी के लिए हमें कोई भी ना इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इमीजिएटली आप हॉस्पिटल जाइए और आप अपने बेबी को दिखाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कब क्या बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बेबी बोल नहीं पाता है ना, जस्ट वो हमें साइलेंट सिम्टम भी नहीं देता है, तो हमें बस देख के ही हमें उसको समझना पड़ता है, तो ये रीज़न था। फिर उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट चेंज किए, फिर मैं आई हिमालय के प्रोडक्ट पर, तब मैंने देखा कि मुझे 1 ईयर हो गया है मेरी बेबी को ये प्रोडक्ट यूज़ करे, तो मुझे आज तक इसकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं मिली है। तो मेरे बेबी की जो स्किन पर ये सूट किए हिमालय के प्रोडक्ट्स, तो मैं आज आपको हिमालय के प्रोडक्ट्स ही दिखाने वाली हूँ। तो इस प्रोडक्ट इस बास्केट में मैंने सारे हिमालय के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो मैंने रीपर्चेज भी किए, रीपर्चेज तो करना ही था बिकॉज 1 ईयर हो गया है, तो इतना लॉन्ग टाइम हो गया है यही चल रहा है। तो सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो है हिमालय का सोप, ये हिमालय का जेंटल सोप है, आप देख सकते हैं ये क्लेम करता है जेंटल बेबी सोप है और ये फॉर नॉर्मल स्किन के लिए है, मतलब बेबी की तो नॉर्मल स्किन होती ही है तो उन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आमंड है, इसमें ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो बेबी की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं अपने बेबी के लिए ये वाला सोप यूज़ करती हूँ। ये सोप जो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर देता है और बहुत ही हार्श नहीं है, तो ठीक है मेरी बेबी को ये बहुत अच्छे सूट किया है। और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बेबी को सोप यूज़ कर रहे हैं तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन आप यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज हमारी जो बेबी होते हैं उनकी जो स्किन होती है अगर हम ज़्यादा सोप लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो इसलिए हमें 1 डे छोड़कर 1 डे हमें यूज़ करना चाहिए ऑल्टरनेट डेज में। मैं रेगुलर सोप की बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ना ही बच्चे गली में खेलते हैं ना घर पर भी इतना नहीं, क्योंकि हम उन्हें अपने साथ ही रखते हैं तो इतने गंदे वो होते भी नहीं है, तो कपड़े वगैरह तो हम चेंज करते ही रहते हो उनके पूरे दिन में, तो 2 से 3 बार चेंज करते ही करते हैं, तो इसलिए मैं सोप अगर रिकमेंड करूंगी तो एक दिन छोड़कर एक दिन। और जब भी आप अपने बच्चे को नहलाएंगे तो लूकोम वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ठंडे पानी से कभी भी मत नहलाइए, या फिर आप सोचो कि तो पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है तो हमने ऐसे ही नहला दिया है, नहीं, आपको नहलाते हुए हमेशा थोड़ा सा लूकोम वाटर रखना ही है, बिकॉज अगर हम बेबी को उस पानी से नहलाएंगे तो उनको जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे से रेगुलेशन करेगा, ब्लड रेगुलेशन बहुत अच्छे से होगा, जितना बेबी के लिए भी अच्छा है उसके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए भी वो उतना ही ज़रूरी है। तो परफेक्ट है लूकोम वाटर से ही आप अपने बेबी को इस सोप से नहलाइए और एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो
नेक्स्ट है सेकंड, मैं चलती हूँ शैम्पू पे। शैम्पू के लिए मैं यूज़ करती हूँ हिमालय का जेंटल बेबी शैम्पू। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये क्लेम कर रहा है माइल्ड है, नो टीयर्स है, सॉफ्टनेस है, नरिश करता है, इम्प्रूव हेयर लग्जर एंड हेयर टेक्सचर। तो गाइज ये है कि अगर हम बेबी को शैम्पू लगा रहे हैं तो कई बार होता है नहलाते टाइम बेबी की आंखों में भी आ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है तो बेबी को ना जलन नहीं होगी, बहुत स्मूथली रहता है ये, बहुत लाइट वेट है तो बेबी को ज़्यादा जलन भी नहीं होगी, वो ज़्यादा रोएगा नहीं नहाते हुए। तो आप अच्छे से हेयर वॉश कर सकते हैं बेबी का। हेयर वॉश को मैं अगर बोलना चाहूँगी तो वो है कि आप वीकली में 2 डेज अपना हेयर वॉश करा सकते हैं बेबी का। रेगुलर बेस पे कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप हेयर वॉश कराओगे शैम्पू से उतना ही हो सकता है उसके हेयर फॉल जल्दी हो। बिकॉज देखो, मैं ये नहीं बोलती कि कोई भी प्रोडक्ट्स में केमिकल्स यूज़ नहीं होते, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है, चाहे वो हर्बल हो या फिर कोई भी आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, सब में थोड़ा बहुत केमिकल रहता ही रहता है। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर जैसे आयुर्वेदिक है या हर्बल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ऐसा नहीं होता गाइस। तो अगर कोई भी चीज़ अगर आप मिनिमम प्रोडक्ट के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वीक में सिर्फ 2 डेज अपने बेबी को हेयर वॉश कराइए, ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो मैंने ये परचेज़ किया था सैवलॉन। सैवलॉन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी, बिकॉज मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप बेबी को नहला रहे हो तो आप उसमें एक ढक्कन डिटॉल ज़रूर डालिए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, आपको पता ही है। तो जब भी मैं अपने बच्चों को नहलाती हूँ तो मैं सैवलॉन का यूज़ ज़रूर करती हूँ, रोज़ ही करती हूँ इनफैक्ट। अगर आप बेबी को स्पॉन्ज भी कर रहे हैं, अगर नहीं नहला रहे, जैसे ऑल्टरनेटिव डेज में आप नहलाएंगे तो अगर बीच का एक दिन बचेगा तो उसमें आप स्पॉन्ज तो कराएंगे ही, बिकॉज बेबी वॉमिट करते हैं, स्टूल पास करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो अगर आप नहीं नहला रहे तो स्पॉन्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बेबी को। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ सैवलॉन, और ये तो हमेशा आपको यूज़ करना ही चाहिए, तो इसके लिए रिव्यू देने का कुछ मतलब नहीं बनता है, ये तो आपको ही पता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड आफ्टर कोविड मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया इन सब चीज़ों को ध्यान रखने का हमें, और अपने आप को भी ध्यान रखने का, अपने बेबी को भी ध्यान रखने का। क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो प्रॉपर लॉकडाउन में, प्रॉपर कोविड के टाइम पे ही हुई थी। मेरी जो डिलीवरी का डेट था वो था 16th of March, तो उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन था। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा डरे हुए थे लोग, क्योंकि हम बेबी को भी टच नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, मतलब आप समझ सकते हो उस टाइम पे कितनी क्रिटिकल कंडीशंस थी। तो वो एक टाइम जो हम लोगों ने, सब लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, एंड स्पेशली जो लोग मदरहुड बने हैं तो उन्होंने इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा फेस किया होगा अपने बेबी के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग। तो हमें अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और तब भी हमने दिया था। और ऐसा नहीं कि कोविड अब जा रहा है धीरे धीरे, अब कोविड के कोई केसेस नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेना है इस चीज़ का, बहुत लाइट लेना है अपने बेबी के रिगार्डिंग, तो नहीं गाइस। बेबी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमें उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी होती है, तो हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। और गाइस मैं भी आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आप कितनी भी बिजी हो अपनी लाइफ में तो प्लीज़ आप अपने बेबी के ऊपर भी ध्यान दीजिए। और लाइक जैसे सैवलॉन हुआ और हैंड सैनिटाइज़र, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप अपने बेबी को टच कर रहे हैं तो आप प्लीज़ यूज़ कीजिए, उसके बाद ही आप अपने बेबी को टच करिए। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोविड है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, अगर कोविड नहीं भी आता तो भी हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। गाइस नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है, मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ आपको, मसाज ऑयल। ये मसाज ऑयल क्लेम करता है, इम्प्रूव्स करता है स्किन टोन को, प्रोवाइड करता है एसेंशियल नरिशमेंट। ऑलिव ऑयल है इसमें, विंटर चेरी है, क्लिनिकल टेस्टेड है, हाइपो एलर्जेनिक है, प्योर है, जेंटल है एंड सेफ है गाइस। तो ये हिमालय का जो बेबी मसाज ऑयल है गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी के लिए, बिकॉज उसके बॉडी बिल्ड के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, एवरीथिंग मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी या आज तक भी, मुझे बेबी की जो टेक केयर होती है वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है पर्सनली, मैं आपको इसमें झूठ नहीं बोलूँगी। तो जो मेरी बेबी की जो टेक केयर वगैरह करते हैं वो मेरी इन लॉज करते हैं, या फिर मेरी जो खुद की मम्मा है वो भी करती है साथ में। तो अगर आपको मसाजिंग नहीं आता है, बिकॉज मुझे तो नहीं आता है पर्सनली गाइस, मैं बोलती हूँ मैंने आज तक मसाज नहीं किया, किया है 1 to 2 times किया था मैंने, जब मेरी 6 month की मेटर्निटी लीव थी तब मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, सीख भी लिया था मम्मी वगैरह से, लेकिन मुझे स्पेशली नहीं आता है। सो अगर आपको नहीं आता है तो आप अपनी इन लॉज को बोल सकते हैं, जो बड़े हैं उनको बोल सकते हैं, गार्जियंस वगैरह होते हैं घर में तो आप उनसे बोल के करवा सकते हैं, या वो खुद भी कर देते हैं, ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेबी की जो मसाज है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके बॉडी बिल्ड के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, बोन की स्ट्रेंथ के लिए।
तो गाइज अगर आप कुछ भी स्किप करते हो, लाइक आपने शैम्पू छोड़ दिया है, आपने सोप छोड़ दिया है, लेकिन आपको मसाज तो बहुत ज़रूरी है करना। तो मेरे जो घर में वो मेरी इन-लॉज करते हैं, मेरी खुद की मम्मा करती है, तो वो सब लोग मसाज करते हैं। मसाज रोज़ ज़रूरी है। अगर आप नहीं नहला रहे हो, एक दिन छोड़ के एक दिन नहला रहे हो, वो आप स्किप कर सकते हो, बट आप इस जो आपका जो मसाज है वो वाले जो है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मसाज रोज़ कीजिए, क्योंकि उसके बॉडी बिल्ड के लिए, ब्लड फ्लो के लिए, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे 1 ईयर हो गया है यूज़ करते हुए मसाज ऑयल, अभी तक इसकी मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई है, एंड मैंने रीपर्चेस किया अगेन एंड अगेन, तो मेरे लिए बेस्ट है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। गाइज मैं फिर से इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि हिमालय का प्रोडक्ट आप ही यूज़ करो या इसी को ही बाय करो, जॉनसन अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, बिकॉज काफ़ी सारे वैरायटी है मार्केट्स में, आपका जो मन करता है आप उसे परचेज कर सकते हो, बिकॉज किसी का ट्रस्ट भी तो होता है गाइस। मेरा ट्रस्ट इस वाले कॉस्मेटिक पर है, ये इस वाले ब्रांड पर है, तो मैं वही चीज परचेज कर हो गया है। मुझे ये वाला जो ब्रांड है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, इसके अभी तो कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आई हैं। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो मेरी तरफ से, बिकॉज गाइस ऐसा नहीं है कि आज मेरा बेबी हुआ है तो मैंने आज ही इस प्रोडक्ट को बाय किया एंड मैंने रिव्यू डाल दिया ऐसी वीडियोज़ पर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने यूज़ किया उसके बाद ही मैंने आपको बताया है। तो अगर मुझे पसंद आ रहा है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आप पूछना चाहते हो, लाइक अगर कोई मदरहुड पीरियड में है, तो कुछ डिलीवरी पीरियड में है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिकॉज मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जितना भी हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करूँगी एंड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगी और मैं आपको उसका बता भी दूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आप ईजिली मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, बेबी की फूड के बारे में, या फिर उसके 1 ईयर की जो मेरा जो ड्यूरेशन पीरियड रहा है उसके बारे में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, या फिर कुछ हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं गाइस। सो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, यह है हिमालय का बेबी लोशन। ये क्लेम करता है नरिश एंड नरिशेज स्किन, बेबी सॉफ्ट एंड आमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, क्लिनिकली टेस्टेड है, जेंटल है, सेफ है एंड रिसर्च है। सो गाइज मुझे 1 ईयर हो गया, अभी तक मुझे इसकी भी कोई कंप्लेन नहीं मिली है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप अपने बेबी को लूकोम वाटर से नहला रहे हो तो जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा रफ भी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो हमें अपने बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज करना 100% ज़रूरी है गाइज। तो हमें स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट करना चाहिए अपने बेबी को, उसको पानी पिलाते रहना चाहिए, और अगर आप नहला रहे हैं या फिर आपने थोड़ा सा भी वाइप भी किया है तो भी आप अपने बेबी की स्किन पे लोशन लगा सकते हो, लगाना भी चाहिए, बिकॉज हमें अगर उसकी स्किन सॉफ्ट रहेगी तो अच्छा रहेगा, और जितनी स्किन सॉफ्ट रहती है उतनी ही प्रॉब्लम्स कम होती है। लाइक अगर आपकी बेबी की स्किन ड्राई हो जाएगी या रैशेज हो जाएगी, तो उसमें ना रैशेज जल्दी हो जाते हैं, मतलब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेबी को ईचिंग हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है अगर आपकी बेबी की स्किन ड्राई है तो इसलिए हमें अपनी बेबी की स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है मेरी बेबी के लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, गाइज मूव ऑन करते हैं। ये है पाउडर है, ये हिमालय का पाउडर है गाइज, इसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं होता है। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि दीदी अगर जैसे स्टूल पास आउट कर लेता है बेबी या फिर वॉमिट कर लेता है तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो तभी हम एकदम से, ऐसा तो नहीं है कि हम उसे नहलाने के लिए ले गए, क्योंकि जैसे विंटर होता है तो विंटर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ऐसा नहीं कि हम रातों रात उसे नहलाने चले गए कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा है बेबी, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस वाला एक पाउडर सब लोग ही यूज़ करते हैं अपने बेबी के लिए, क्योंकि इमीजिएटली कोई नहाने के लिए नहीं ले जाता है। और रही बात विंटर्स की, विंटर सीजन में तो हम बेबी को 1 वीक में एक बार नहलाते हैं या फिर 1 वीक में 2 टाइम्स नहलाते हैं, तो अब उस टाइम उस पीरियड्स में आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने रख रखा है अपने पास, ये पॉन्ड्स का है, पॉन्ड्स का पाउडर, ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा देता है। दूसरा है कि इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है गाइज, तो इसलिए मैं अपने बेबी के लिए ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ जब वो वॉमिट करता है या फिर स्टूल में अगर कुछ ऐसा स्मेली फॉर्म क्रिएट होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नॉर्मल बेस पे अगर मुझे कोई पाउडर यूज़ करना है तो वो है हिमालय का पाउडर। सो गाइस मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। ये है हगीज का डायपर, वैसे आपको मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक मैनी पोको पैंट्स हो गया, हगीज हो गया, या फिर
पैम्पर्स वगैरह कुछ इस टाइप के होते हैं, वो सारे ब्रांड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है डायपर वाले बच्चों के लिए वो होती है रैशेस प्रॉब्लम। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे मेरे से कि दीदी अगर रैश हो जाए तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ तो जब मैंने हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ किए थे तो उसी में मुझे कंबाइंड में एक क्रीम भी मिली थी मुझे, तो मैंने अपने बेबी को वो यूज़ किया था। बट गाइस होता क्या है कि वो ना उस जगह को मॉइस्ट कर देता अगर मैं क्रीम लगाती थी तो वो जल्दी को अच्छे से ना प्रॉपर रिकवर नहीं कर पाता था उस टाइम पर। तो फिर मैंने एक दूसरा मैंने एक मतलब ब्रांड यूज़ किया था, उसका नाम था कैंडिड, मैं आपको दिखा दूंगी इसके लिंक में, कि उसको जब मैंने यूज़ किया वो पाउडर फॉर्म था तो वो जल्दी से मतलब ठीक कर देता था उस रैशेस वगैरह को। तो मैंने फिर वो यूज़ किया था। अभी वैसे मैंने उसे रीपर्चेस किया है तो मैं इसकी फोटोज़ में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। अब मुझे 1 ईयर हो गया उसको यूज़ करते करते, अभी तक उसकी भी कोई कंप्लेन नहीं आई है एंड वो जल्दी ही ठीक कर देता है। बिकॉज मेरा जो बेबी है वो मोस्टली डायपर ही वियर करता है, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, मतलब हम उसको पैंट्स में रखते हैं बट वो डायपर यूजली वियर ही करता है, चाहे मॉर्निंग इवनिंग नाइट कुछ भी होता है तो डायपर पहनता ही पहनता है। तो उसके रैश बहुत ज़्यादा हो जाते थे लेकिन जब से वो पाउडर यूज़ किया है हमने तो अभी ठीक है। तो फिर हम वो ऐसा मुझे कुछ उसमें प्रॉब्लम दिखानी है, तो गाइस आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको लिंक इसमें सेंड करूँगी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी क्या हम अपने बेबी को काजल अप्लाई कर सकते हैं और नहीं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैं आज इस चीज़ का आंसर देने वाली हूँ कि आप अपने बेबी को काजल लगा सकते हैं गाइस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काजल है वो होममेड ही होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। बिकॉज बाहर के जो काजल होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल मिक्सअप होता है जो आपके बेबी के के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहेगा। सो मेरे पास जो काजल है वो है होममेड काजल जो मेरी मम्मा ने मुझे बनाकर दिया था मेरी बेबी के लिए। इसको बनाने के लिए ये घर के ही प्रोडक्ट से बनता है। दूसरा है कि इसमें जो मेडिसिन डलती है वो बहुत ही अच्छी होती है बेबी के आईज के लिए। सो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप अपने बेबी को काजल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रात को काजल अप्लाई कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम दिन में काजल अप्लाई करते हैं बेबी को तो ये थोड़ा स्टिकी फॉर्म होता है, जब हम काजल अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म होता है। तो अगर आप अपने बेबी को बाहर घुमाने ले जाएंगे तो वो जो डस्ट है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा आपके बेबी की आइज पर, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। दैट्स वाई मैं अपनी बेबी की जो आंखों पर लगाती हूँ काजल वो रात को ही लगाती हूँ, जिससे कि इसकी जो अंदर की मेडिसिन है वो रात भर काम भी करेगी मेरी बेबी की आंखों में और जो डस्ट है उससे भी मतलब फ्री रहेगी। और दूसरा है जब मैं नेक्स्ट डे अपने बेबी को नहलाऊंगी तो वो वैसे भी रिमूव हो जाना है। तो आप अपने बेबी को जब भी काजल लगाएंगे तो रात को ही लगाइए, वो बहुत ज़्यादा बेटर है, बट दिन को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तो ये क्वेश्चन का होप्स हो कि आप लोगों को आंसर मिल गया हो। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ मिसिंग रह गया, वैसे काफ़ी चीज़ें मिसिंग रह गई है क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें बताने लग जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा घंटों की हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट इसमें शेयर किए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। अगर बेबी की हेल्थ केयर से रिलेटेड है या बेबी की फूड से रिलेटेड है या फिर उसका जो 1 ईयर का जो पीरियड रहा है कैसे कैसे करके उसका क्या क्या स्टेजेस मैंने देखे है, तो कुछ भी अगर आप चाहते हो कि मैं शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड होप्स कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो गाइज अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। सो गाइज बाय बाय, लव यू, बाय बाय गाइज। Let me up with a brush.